भारतीय जनता पार्टी आज अपना 44वां स्थापना दिवस मना रही है। इस अवसर पर प्रत्येक बूथ पर कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। मुख्य कार्यक्रम पार्टी के प्रदेश कार्यालय में हुआ है, जहां मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा उपस्थित रहे। इसी बीच पार्टी का दावा है कि प्रदेश में 64,523 बूथों पर हो रहे कार्यक्रमों में कांग्रेस एवं अन्य दलों के 1,00,000 लोग भाजपा में शामिल होंगे। भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस पर मुख्य कार्यक्रम भोपाल स्थित प्रदेश कार्यालय में हुआ। यहां मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, लोकसभा चुनाव प्रदेश प्रभारी डॉक्टर महेंद्र सिंह ने पार्टी का ध्वज फहराया। इस अवसर पर पार्टी नेता व कार्यकर्ता उपस्थित रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कमलनाथ और दिग्विजय सिंह पर निशाना साधा। उन्होंने दिग्विजय सिंह के लिए कहा कि वे हार के डर से पैदल घूम रहे हैं। वहीं कमलनाथ को लेकर सीएम मोहन यादव ने कहा कि उन्होंने मैदान ही छोड़ दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस ने देश को दुराचार में डाल दिया था, जबकि भाजपा जन कल्याणकारी काम कर रही है। पूरे देश ने एकजुट होकर के भारत की ये एकता की भावना का प्रकटीकरण किया। एक नहीं, दो नहीं, लंबी ऐसी मालिका कई सारी बात कर सकते हैं, लेकिन चुनाव की बेला में हम पहुंच गए और लगातार आप देख रहे हो कांग्रेस मैदान छोड़ रही है। कांग्रेस ने कल ही खजुराहो में मौका छोड़ा और उनने अपने को लगा के आसन में हार को देखते हुए अपने बदले में समाजवादी पार्टी को मौका दिया। समाजवादी पार्टी को भी मौका नहीं मिला, उनको लगा के हार का ठीकरा कौन फोड़े, तो उसके बदले में उनने दूसरा प्रत्याशी, पहली बार एक प्रत्याशी, दूसरे दिन दूसरा प्रत्याशी, और जिस प्रत्याशी को लेकर के भी आए तो प्रत्याशी का फॉर्म जानबूझकर खाली छोड़ दिया और अपने गलती को बताने के लिए सबके बीच में आ रहे हैं। कितनी सरल बात है, आप समझ सकते हो। कोई भी पार्टी प्रत्याशी डिक्लेयर करती तो उसका डमी प्रत्याशी नहीं देगी क्या? उसका डमी तो आना ही चाहिए। कोई एक फॉर्म का सेट भरेगा क्या? दूसरा फॉर्म क्यों सेट नहीं भर रहा? हस्ताक्षर करने के लिए जिलाधिकारी कह रहे हैं कि आप दूसरे फॉर्म पे, पहले फॉर्म पे आपके हस्ताक्षर नहीं है, आप जमा करिए। अब हस्ताक्षर तो आप ही को करना होगा, और हस्ताक्षर करेंगे। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।